हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेस। वी आर हेयर टू स्टडी स्टेंजा बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई पोएम द रोड नॉट टेकन की हम स्टेंजा पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्टेंजा नंबर 1 और 2 की वीडियो बनाई थी, अब हम स्टेंजा नंबर 3, 4, 5 की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और स्टेंजा को समझने के लिए इसकी हमने वीडियो बना दी है जो आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप इसको स्टडी करें। तो आइए शुरू करते हैं स्टेंजा नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको टिक द करेक्ट ऑप्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, What does the phrase both that morning equally lay mean? Both that morning equally lay, इस फ्रेज का वाक्यांश का क्या अर्थ है? Mean means अर्थ या अभिप्राय, क्या अर्थ है? A. Both the roads had different morning, दोनों ही सड़कों का जो है प्रातःकाल वो अलग अलग प्रकार का है, भिन्न है। बी, बोथ द रोड्स हैड सेम मॉर्निंग, दोनों ही सड़कों की प्रातः एक जैसी है। सी, वन रोड हैड ब्राइट वेयर एज अदर रोड हैड डल मॉर्निंग, एक सड़क की प्रातः है बहुत अच्छी है, उज्ज्वल है, जबकि दूसरे की प्रातः बेकार है, डल है, धूमिल है। डी ऑल ऑफ दीज, ये सब। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है, इस फ्रेज का जो मीनिंग है वह है इसका बी पोर्शन। बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ द रोड्स हैड सेम मॉर्निंग, दोनों ही सड़कों पर एक जैसी प्रातः थी, अर्थात समान रूप से थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज नॉट स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन। फ्रेज कहते हैं वाक्यांश, शब्दों के समूह को। नॉट स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, फ्रेज का वाक्यांश का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या मतलब है? ए, इट मीन्स दैट पीपल ट्रेवल्ड अलॉट, इसका अर्थ है, इसका आशय है कि लोगों ने बहुत अधिक यात्रा की या बहुत अधिक उस पर चले। बी, इट मीन्स दैट पीपल ट्रीटेड द रोड डेलिब्रेटली, इट मीन्स इसका अभिप्राय है, इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि लोगों ने सड़क पर जानबूझकर काफी चलन किया या काफी चले। सी, इट मीन्स इसका अर्थ है दैट पीपल डिड नॉट लाइक टू ट्रेवल ऑन द रोड, ऑन दैट रोड, इसका अर्थ है कि लोगों ने उस सड़क पर चलना, यात्रा करना पसंद नहीं किया। डी, ऑल ऑफ दीज, ये सब, यानी कि ऊपर के सब के सब। तो स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन है सी। इट मीन्स इसका आशय है, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि लोगों ने उस सड़क पर चलना, यात्रा करना पसंद नहीं किया, ये ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है इस स्टेंजा का, व्हाट इज द पोएट want to convey in the poem,
द रोड नॉट टेकन। पोयम द रोड नॉट टेकन में पोएट क्या देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है? ए दैट एवरी चॉइस और डिसीजन हैज एडवांटेजेज, प्रत्येक विकल्प या निर्णय में, निर्णय का क्या होता है, लाभ होता है, प्रत्येक निर्णय प्रत्येक विकल्प का, विकल्प में लाभ होते हैं। बी दैट एवरी चॉइस और डिसीजन हैज डिसएडवांटेजेज, प्रत्येक विकल्प या निर्णय में हानियां होती हैं, दोष होते हैं। सी दैट एवरी चॉइस और डिसीजन हैज बोथ एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज, कि प्रत्येक विकल्प या निर्णय में लाभ और हानि, एडवांटेजेज लाभ, डिसएडवांटेज हानि दोनों होती हैं। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन पोएम में पोएट जो मैसेज देना चाहता वो यह है कि प्रत्येक विकल्प या निर्णय में लाभ और हानि दोनों ही होते हैं। तो सही ऑप्शन इसका सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 4 पर। स्टेंजा नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट डिसाइड टू डू विद द फर्स्ट रोड। पोएट पहली रोड के साथ क्या करने का फैसला करता है, निर्णय करता है? ए टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट डे, उस सड़क से दूसरे दिन यात्रा करने का निश्चय करता है। बी टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट ईयर, उस सड़क के द्वारा या उस सड़क से अगले वर्ष यात्रा करने का फैसला करता है, निर्णय करता है। सी टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड द नेक्स्ट मंथ, उस सड़क से दूसरे महीने, अगले महीने यात्रा करने का निश्चय करता है। डी टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड अनदर डे, या किसी और दिन उस सड़क से यात्रा करने का निर्णय करता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन है वह डी है, वह किसी और दिन उस सड़क से यात्रा करने का फैसला करता है या निश्चय करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज लीड्स ऑन द वे मीन। फ्रेज वाक्यांश लीड्स ऑन द वे का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या आशय है या क्या मतलब है? ए इट मीन्स, इसका आशय है दैट वन वे लीड्स टू अनदर, कि एक रास्ता, एक मार्ग दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है या दूसरे रास्ते की ओर जाता है। बी इट मीन्स, इसका आशय है दैट वन वे डज नॉट लीड टू अनदर, एक मार्ग, एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर नहीं जाता है। सी इट मीन्स दैट वन वे डज नॉट रिजेंबल अनदर, इसका आशय है, इसका अर्थ है कि एक मार्ग दूसरे मार्ग के समान नहीं होता है, के जैसा नहीं होता है। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। इट मीन्स, इसका लीड्स ऑन द वे का आशय है, इट मीन्स इसका अर्थ है दैट वन वे, एक मार्ग, एक रास्ता, एक सड़क लीड्स टू अनदर, दूसरे रास्ते की ओर ले जाती है, दूसरे रास्ते से जोड़ देती है या जोड़ती है। तो सही ऑप्शन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्ट फ्रॉस्ट टुक द डिसीजन विच डॉट डॉट पीपल टेक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वह निर्णय लिया जिसे
डॉट डॉट खाली जगह, पीपल टेक लोग लेते हैं और सारे लोग लेते हैं जिस निर्णय को, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वह निर्णय लिया जिस निर्णय को सारे लोग लेते हैं, बी नो कोई नहीं लेता, सी रेयर बहुत थोड़े लोग ही लेते हैं, नन ऑफ दीज इन तीनों में से कोई सा नहीं। तो स्टूडेंट्स जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह सी है, बहुत थोड़े लोग ही, बिरले लोग ही उस निर्णय को लेते हैं जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाउटफुल ऑफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को किस चीज के बारे में संदेह था? ए वेदर ही वुड कम बैक और नॉट, कि क्या वह वापस आ जाएगा या नहीं आएगा। बी वेदर ही वुड सक्सीड इन हिज डिसीजन और नॉट, कि क्या वह अपने निर्णय में सफल होगा या नहीं। सी वेदर ही वुड बी एबल टू टर्न अप और नॉट, कि वह वापस आने में या सक्षम होगा या नहीं। डी ऑल ऑफ दीज, या ऊपर के तीनों। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मन में ये सारे विकल्प होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इसका सही विकल्प है, राइट ऑप्शन है। स्टेंजा नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द डिसीजन मेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुप्रभाव क्या हैं? बाद में आने वाले क्या प्रभाव हैं जो निर्णय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिया? ए ही सक्सीडेड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, उस सड़क से यात्रा करने के पश्चात वह सफल हुआ। बी ही फेल्ड आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, उस सड़क से यात्रा करने के पश्चात, चलने के पश्चात वह असफल हुआ। सी ही हैड टू फेस ए लॉट ऑफ चैलेंजेज आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू दैट रोड, उस सड़क से यात्रा करने के पश्चात उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हैड टू फेस, सामना करना पड़ा, ए लॉट ऑफ बहुत अधिक चैलेंजेस में चुनौतियों का। उस सड़क से यात्रा करने के पश्चात, उस सड़क पर चलने के पश्चात उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डी ऑल ऑफ दीज, ये सब। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही ऑप्शन है वह सी है। जो निर्णय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिया उसके जो बाद में प्रभाव दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए? कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो सी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द वर्ड साई मीन। साई वर्ड का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, या साई शब्द से क्या अभिप्राय है? ए टू टेक ए शैलो ब्रीद, हल्की सांस लेना, उथली सांस लेना। बी टू टेक ए डीप ब्रीद, गहरी सांस लेना। सी टू इनहेल, सांस लेना। डी नन ऑफ दीज, इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स साई का मीनिंग है टू टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना।
टू साई होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट स्टेंजा इन द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन नाम की पोएम में अंतिम स्टेंजा में जो काव्य योजना है वो क्या है? तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम यहां पर टिक लगाने के पश्चात स्टेंजा पर चलते हैं ताकि ये राइम स्कीम हमें और अधिक क्लियर हो सके। तो जो इसमें राइम स्कीम है, ए ए बी ए बी, बी ए बी बी ए, सी ए बी सी ए, डी ए बी बी बी। जो सही ऑप्शन है वह बी है, ए बी बी ए। इस चीज को समझने के लिए हम स्टैंजा पर चलते हैं। ये है हमारा स्टैंजा नंबर 5। इसमें राइम स्कीम को समझेंगे। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। स्टूडेंट्स, पोएम के अंदर प्रत्येक लाइन के अंत में जो वर्ड्स आते हैं उनकी साउंड को हम देखते हैं राइम स्कीम में। हेंस एंस, ठीक है, डिफरेंस इसमें भी एंस आ रहा है, ठीक है, यहां भी एंस है, यहां भी एंस है, एंस एंस, लेकिन बीच में देखते हैं आई बाय, ठीक है। तो जब ये लाइन है इसकी स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है, इसे हम ए कहते हैं, ये बी होगी, ये सी होगी, लेकिन साउंड मिलनी चाहिए एंस एंस। ये ए है, ये ए है, लेकिन बीच में देखते हैं आई बाय, तो ये बी हो गई, तो ये हुआ ए बी बी ए। इसकी साउंड यहां रिपीट हो रही है, ये साउंड दोनों साथ साथ आ रही हैं, तो ये हुआ ए बी बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, किस प्रकार से हम राइम स्कीम को देखते हैं, तो ये हुआ ए बी बी ए। और इसको एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ये क्वेश्चन भी आता है, हालांकि इसमें दे नहीं रखा है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे एंस डिफरेंस, हैंस का राइमिंग वर्ड डिफरेंस है, आई का राइमिंग वर्ड बाई है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे हैंस राइम्स विद डिफरेंस एंड आई राइम्स विद बाय। इस प्रकार से हम राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है राइम स्कीम, वो हमने आपको एक्सप्लेन की। तो सही चलते हैं फिर से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। तो इस प्रकार से हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट है, जो हमने पहले ही इसको टिक कर दिया था। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट लिख करके बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह अपना स्टडी कर सकें, अपना सिलेबस पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।